Good morning and welcome back in online classes. Today in maths class we are going to study about solid shape. I will explain you about solid shape. You can see in your book, this is in your book page number 116. All right, you can see in your book page number, yes, now this is visible, 116. This is solid shape. Yesterday I explained you about plane shape. That was plane shape is in your book page number 112 13 14. Now in the next page 116 17, this is solid shape. Solid shape वो होता है जो जिसको we can measure by three ways, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई. हम जब तीनों साइड से जब हम उसको मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्री डे शेप्स, थ्री डायमेंशन शेप्स. अभी आप छोटे हैं इसलिए हम सॉलिड शेप उसको बोलते हैं. एंड दैट इज टू डी शेप, यानी टू डायमेंशन शेप. इसको हम सिर्फ लंबाई और चौड़ाई से नाप सकते हैं. सपोज फॉर द एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट रेक्टेंगल एंड यू कैन सी दिस पेपर, ओनली वन पेपर. सपोज वैसे मैं इसको फाड़ूंगी नहीं, अगर इस पेज को फाड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा. आप इसकी लंबाई और चौड़ाई तो नाप सकते लेकिन ये ऊंचाई नहीं नाप सकते ना. सो दिस इज द शेप ऑफ, दिस इज प्लेन शेप, टू डी शेप, टू डायमेंशन शेप. लेकिन अगर ये पूरी बुक है ना, एंड दिस इज इन रेक्टेंगल शेप, ये रेक्टेंगल शेप में है, बट यू कैन मेजर इट्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. देखो कितना है, अब हम इसको स्केल से हम लोग यहाँ से नाप सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर्स है. सो दिस इज थ्री डी शेप. तो जब थ्री डी शेप और टू डी शेप में नाम फर्क हो जाता है. एंड अब जस्ट बिकॉज यू आर चैम्पियन, आई नो यू ऑल आर चैम्पियन, बट आप लोग हैं तो छोटे ना. सो वी से लाइक द प्लेन शेप एंड सॉलिड शेप. ऑल राइट, यस्टरडे आई एक्सप्लेन यू अबाउट प्लेन शेप, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं पेपर पे बनाने के लिए है, ड्राइंग करने के लिए है. लेकिन अगर हम कोई उसका एग्जांपल लेंगे, सपोज दिस इज अ डस्टर, ये एक सॉलिड शेप है. बिकॉज सॉलिड शेप, एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड शेप, जस्ट बिकॉज वी कैन मेजर इट हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हम उसको तीन तरह से नाप सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड इन अदर लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड थ्री डी शेप. या फिर अब आपको क्या याद रखना है, प्लेन शेप एंड सॉलिड शेप. द एग्जाम्पल्स, द नेम्स ऑफ प्लेन शेप्स इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ओके, समटाइम्स ओवल ऑल्सो. नाउ सॉलिड शेप में आपको क्या क्या नाम याद रखना है, सी क्यूबॉइड, यो मोबाइल फोन, आप जिससे पढ़ रहे हैं, आपके मम्मी पापा का आपका मोबाइल फोन है, आपके पेरेंट्स का, आप जिससे पढ़ रहे हैं, यो बुक्स एंड कॉपीज, दीज आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, सिलेंडर, हैव यू सीन गैस सिलेंडर चैंपियंस, हैव यू सीन कैंडल, इवन लेट मी ये देखो वाटर बॉटल, सर्कल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर शेप. ऑल राइट, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंडर शेप, क्योंकि ये सॉलिड है. ठीक है ना, कोन, ट्रायंगल, हमारे टू डी शेप में क्या था, ट्रायंगल था, लेकिन जब हमारा थ्री डी सॉलिड शेप आ गया तो ये क्या हो गया, कोन. आइसक्रीम कोन खाए हो, गर्मियों में खाना बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, कभी कभी खाना, ज़्यादा नहीं. ओके, बर्थडे कैप, you enjoy your birthday party now, birthday cap, these are the few examples of cone. sphere, सीधा सरल फंडा, ball सबने देखा होगा, सभी जानते होंगे ball, ball is the perfect example of sphere. in 2d shape this is called circle, plane shape, in 2d या फिर plane shape this is called circle, and in 3d या फिर solid shape it is called sphere. Sphere, S P H E R E. Sorry, sphere spelling is wrong. Sphere.
sorry, here is spelling S B H E R E sphere. This is the example of sphere. Okay, the ball. एकदम सीधा सरल बॉल देखो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्फीयर. क्यों? लूडो खेला है, मजा आता है ना खेलने में. स्नेक एंड लैडर खेला है. हैव यू सीन द डाइस ऑफ योर लूडो? दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्यूब इन 2D शेप. इन प्लेन शेप दैट इज स्क्वायर, एंड इन 3D शेप या फिर सॉलिड शेप दैट इज क्यूब. And the dice, your Ludo dice is the perfect example of cube. Alright, I hope this is clear. The difference in between 2D and 3D shape and solid and plane shape. And the examples of solid shape and plane shape. I hope this is clear. Now in the next video, we will do this book exercises. Alright.